यह एक लंबवृत्ती बेलन है जिसका ऊपरी सिरा और निचला सिरा वृत्ताकार है और बीच का भाग यह वक्र है। तो हम सबसे पहले इसका समतल पृष्ठ जो है इसको अलग करते हैं, समतल पृष्ठ वाले भाग को अलग करते हैं। यह अर्धवृत्ताकार है, समतल पृष्ठ दो है, ये दो समतल पृष्ठ हैं। तो दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल, चूंकि यह वृत्ताकार है, यह भाग वृत्ताकार है, यह भाग वृत्ताकार है, तो दो वृत्ताकार हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल अगर इसकी त्रिज्या आर है, इसकी त्रिज्या आर हुई तो पाई आर स्क्वायर धन पाई आर स्क्वायर बराबर टू पाई आर स्क्वायर। आए इसके वक्र पृष्ठ को देखें हम, इस यह भाग वक्र पृष्ठ है, इसको बीच से काटते हैं, काट करके खोलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इस वक्र पृष्ठ को हमने काट दिया, काट करके और खोल रहे हैं, आप देखें यह एक आयत का रूप लिया। वक्र पृष्ठ क्या बना? आयत बना, जिसकी ऊंचाई h है और यह परिधि जो 2πr है, तो 2πr इसकी चौड़ाई हो गई और लंबाई h हो गई। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखें कितना होता है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई हो गई h और चौड़ाई 2πr। तो टू वक्र पृष्ठ बराबर 2πr इसकी चौड़ाई और ऊंचाई हो गई गुणे h बराबर 2πrh। आए हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल धन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh इक्वल टू 2πr कॉमन ले लेते हैं, बचेगा r प्लस यहाँ बचा h, संपूर्ण पृष्ठ हुआ 2πr into r plus h।